Good morning, students. Class 12th, subject mathematics. और आज का हमारा टॉपिक जो है वो फंक्शंस हैं. रिलेशंस हमने पढ़ ली. फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हैं वो 12th के सिलेबस में हैं. कल मैंने आपको 1-1 और ऑन टू फंक्शंस पढ़ाई. 1-1 फंक्शंस को हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शंस को सब्जेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं. जो फंक्शंस 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो ऐसी फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं. सो इनकी मैंने आपको डिटेल थोड़ी सी बताई. आज हम इन पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक. क्वेश्चन नंबर 1. Show that the function f. So given f from R star to R star is defined as f of x is equal to 1 by x. यहां पर जो R star है, the set of all non-zero real numbers means R star is R minus singleton 0. Real numbers में से 0 minus कर दें, पीछे जितने भी real numbers बचे, उनके set को हमने R star से denote की. Means जब ये function मैंने R star से R star पर define की, तो इसका domain non-zero real numbers है, इसलिए x की value 0 नहीं हो सकती है. हम 0 यहाँ इस function में नहीं ले सकते. अब ये हमें बोल रहे हैं कि prove करें कि ये function 1-1 और on 2 है. तो पहले हम 1-1 करेंगे. लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू. ये कोई दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स मैंने डोमेन में से ले लिए और ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इक्वल एलिमेंट्स नहीं है. मुझे प्रूव करना है 1-1 की डेफिनेशन. ध्यान करें, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू इंप्लाइज एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू. अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होनी चाहिए. यह प्रूव करना है. सो ये एलिमेंट है, इमेजेस के लिए देखें, ये डेफिनेशन है. एफ एक्स इमेज होती है, तो यहां पर एक्स क्या है? 1/x. तो मुझे 1/x बनाना है. अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो इनके रेसिप्रोकल क्या वो इक्वल होंगे? कभी भी. दूसरी बात, के रेसिप्रोकल दे सकते हैं क्या हम? 0 के अलावा किसी भी रियल नंबर का रेसिप्रोकल दे सकते हैं, तो ये नॉन जीरो है दोनों, क्योंकि 0 हमारी डोमेन में है ही नहीं. तो इसलिए मैं इनका रेसिप्रोकल दे सकता हूं. और रेसिप्रोकल अगर दो रियल नंबर इक्वल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 2, 3 नहीं इक्वल होते हैं, तो उनके रेसिप्रोकल भी इक्वल नहीं होते हैं. तो जब यहां पे x था तो फंक्शन एफ एक्स बनी. जब यहां पे x1 है तो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स वन, और जब x2 है तो फंक्शन की वैल्यू. तो मैंने प्रूव कर दी. मैंने क्या प्रूव किया? दस x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू For all x1, x2 belongs to R star. That is domain. Domain से कोई भी x1, x2 लेने हम दो, वो equal नहीं है, तो उनकी images भी equal नहीं आ रही है. Therefore, f is 1-1. ये proof आपके सामने, 1-1 मैंने इसको proof कर दिया. अब बात करते हैं on to. आंटू के लिए क्या है? ये डोमेन आ गई, ये कोडोमेन. तो आंटू के लिए यहां कोई भी वाई हो
यहां x मिलना चाहिए, सही दैट f ऑफ x y के इक्वल आ जाए। अगर हर एक x के लिए यहां, सॉरी हर एक y के लिए यहां अगर x मिल जाए, प्री इमेज मिल जाए, तो अब हम इस फंक्शन को ऑन टू कहते हैं। थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमें f ऑफ x y लिखना हो, इट मींस हम चाहते हैं कि 1 बाई x y, इट मींस हम चाहते हैं कि x 1 बाई, अब ध्यान देना क्या 1 बाई y नॉन जीरो रियल नंबर होता है, तो देखना पड़ेगा y क्या था, y r स्टार का एक नंबर है, r स्टार में जीरो है ही, जब ये जीरो नहीं है तो किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर का रेसिप्रोकल भी रियल ही होता है, सो दिस बिलोंग्स टू आर स्टार। इट मींस कि कोड नेम में जब हम y लेंगे तो हमें डोमेन में x मिलेगा, वो x कितना होगा 1 बाई y, ये x किसके बराबर मिलेगा, तो लिख सकते हैं हम ऑन टू, यही डेफिनेशन थी कि कोड डोमेन के हर मेंबर के लिए, हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज होनी चाहिए, या दूसरी भाषा में कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल y belongs to R star, यहां दोनों डोमेन और कोड डोमेन सेम सेट है, तो इसलिए मैं ब्रैकेट में कोड डोमेन लिख सकता हूं, कोड डोमेन फॉर ऑल y belongs to R star, दैट इज कोड डोमेन, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 1 बाई y, अपनी मर्जी से देयर एग्जिस्ट नहीं लिखना है, चेक करना है कि हैव यू सेट में कि नहीं, क्योंकि y नॉन जीरो है तो 1 बाई y नॉन जीरो रियल नंबर होगा, belongs to R star, that is domain such that f of x कितना आना चाहिए, हो गया f of 1 by y is equal to, function की definition जो भी x यहां उसका reciprocal, तो यहां पर हो जाएगा 1 upon 1 by y, so this is y, तो पूरी जो statement लिखी मैंने वो पढ़े कि for all y belongs to code domain there exists x belongs to domain such that f of x equal to y. This is the definition of Hartree function. Therefore, f is Hartree function. तो ये question number one, जो पहला part इसमें पूछा गया था कि इस function को non-zero real से non-zero real पर जो function define की गई है 1 by x करके, इस function को 1, 1 और Hartree prove करें, वो मैंने prove करके दिया। इसी question से आगे पूछा है, is the result true if the domain is R star is replaced by N with code domain being the same? So, दूसरा पार्ट है, यहां पर डोमेन चेंज करके सेट ऑफ नेचुरल नंबर रख दिया गया है, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे अगेन f from n to r star is defined by x, where r star is the same set. अब हम इसको 1 1 चेक करें, 1 let x1 x2 belongs to n such that x1 is not equal to x2, this implies ये दो natural number है जो equal नहीं है, तो जो natural number equal ना हो उनके reciprocal भी equal नहीं हो, reciprocal क्यों नहीं है, क्योंकि function की definition इसी तरह से है कि 1 by x चाहिए था, तो मैंने reciprocal ले लिया, और natural number क्योंकि उनमें 0 आता नहीं है, वो 1 से start होते हैं, तो किसी भी non zero number का हम reciprocal ले सकते हैं, तो जब यहां x था तो fx, जब x1 है fx1, जब x2 है तो fx2, तो क्या आ गया, thus x1
not equal to x2 implies मेरे को particular दो natural number ही लिए थे, any arbitrary natural numbers जो equal नहीं है. इसका मतलब ये मतलब सिर्फ कोई दो natural numbers के लिए नहीं है, ये किसी भी natural number के लिए, arbitrary natural number के लिए, for all x1, x2 भी ना चाहिए, सभी natural number के लिए इसका true है. Therefore, f is 1 to 1. तो अगर हम domain replace कर दें non-zero real numbers की बजाय set of natural numbers लिख दें, तब भी ये function 1 1 है. What about on? तो on to check करते हैं. So on to के लिए जैसे पहले मैंने आपको rough work कराया, उसी तरह से कर लेते हैं. यहाँ पर आप set of natural numbers, इस function में हम set of natural numbers. यहाँ पर मैं कोई एक number ले लेता हूँ. For example, मैंने y 2 ले लिया. तो मुझे यहां पर x मिलना चाहिए. अब बेसिकली x क्या होगा कि f of x 2 में है. इसका मतलब 1 by x कितना होगा 2. इसका मतलब x कितना होगा 1 by. अब x किसमें है नेचुरल नंबर में. 1 by 2 नेचुरल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं. 1 by 2 नेचुरल नहीं. इसका मतलब 2 जो ओड मेन में है वो किसी भी नेचुरल नंबर की इमेज नहीं है. क्योंकि जब नेचुरल नंबर की इमेज लोगे 2 तो 1 by 2, 3 तो 1 by 3, 4 तो 1 by 3, उनके लिए यहां पर इमेज है लेकिन 2 के लिए कोई नहीं. 2 के लिए 1 by 2 होना चाहिए ना. 1 by 2 नेचुरल नहीं होता है. So on to we have 2 belongs to R star, but there does not exist any x belongs to n such that कोई भी natural number ऐसा नहीं है such that 1 by x is equal to 2. किसी भी natural number को 1 upon that natural number करो 2 आ जाए. 1 by 1 करोगे तो 1 रहेगा, 1 by 2 करोगे तो 1 by 2 बनेगा, 1 by 3 1 by 3 बनेगा, 2 नहीं बनेगा. That is f of x equal to 2. तो ऐसा कोई natural number मतलब domain में हमें कोई, ये domain है, domain this is codomain. तो codomain में मैंने एक element ऐसा ढूंढ लिया जिसकी कोई image नहीं है. onto की definition कहती है के कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए. मैंने एक एलिमेंट ऐसा बताया जिसकी प्री इमेज नहीं है. Therefore f is not onto. तो एक चीज आपके ध्यान में आई होगी कि फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ डिसाइड नहीं करती है कि 1 2 onto होगी नहीं होगी, उसके लिए सेट्स जो उसकी कोडोमेन और डोमेन बनाते हैं वो सेट्स भी डिसाइड करते हैं कि सेट्स कैसे हैं. उन सेट पर भी डिपेंड करता है कि फंक्शन 1 1 और onto होगी कि नहीं होगी. जब हम डियर एग्जिस्ट कहते हैं, डियर एग्जिस्ट मीन उस पर्टिकुलर सेट में होना चाहिए. तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं. आप हम से चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको 1 1 on 2 bijective फंक्शन क्या होती है, डोमेन कोडोमेन ये सारी चीजें पढ़ाकर लेक्चर छोड़ दिया ताकि आप वो पढ़ लें और आज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. आपने डेफिनेशन आई होप के पढ़ी होगी घर में. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. अ फंक्शन f फ्रॉम n टू n इज गिवन बाय x to t. So, हमें पूछा गया है कि इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी मींस 1 1 और on 2 इनके लिए चेक करें. So, पहले मैं चेक करता हूं इंजेक्टिव.
injectivity. Means one more. Check करें क्या function आपके सामने है square x natural number है तो क्या कोई दो natural number जो equal ना हो उनका square equal हो सकता है कभी नहीं तो बात है आप लिख सकते हैं let x1 x2 belongs to n this n is domain say that x1 is not equal to x2 this implies x1 square is not equal to x2 square अगर दो नंबर इक्वल नहीं है तो उनके स्क्वायर भी इक्वल नहीं होते हैं क्यों क्योंकि नेचुरल नंबर्स आप चेक कर लें नेचुरल नंबर इक्वल होंगे तो ही स्क्वायर इक्वल आएंगे अदरवाइज स्क्वायर इक्वल होंगे नहीं आते सो दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ दस x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज fx1 not equal to fx2 और for all all क्यों क्योंकि मैंने ये natural number लिए थे कोई दो arbitrary लिए particular नहीं लिए कि बस उन्हीं दो के लिए result true है ये arbitrary case means सारे natural numbers के लिए ये result true है therefore f is injective अब इसके बाद सब्जेक्टिव चेक करते हैं सब्जेक्टिविटी के लिए देखें ये डोमेन ये कोड में यहां पे x तो यहां पे वो y बन जाता है और y किसके इक्वल होना चाहिए f ऑफ x अगर यहां सारे के सारे y किसी ना किसी x की इमेज हो तो फंक्शन आउट हो जाएगी नेचुरल नंबर्स में हमारे पास यहां 1 भी होगा 2 भी होगा 3 भी होगा यहां पे 1 2 3 होगा लेकिन हम रेंज को चेक करते हैं फंक्शन क्या कर रही है यहां से जो भी x जा रहा है यहां जाकर स्क्वायर बन रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 तो आप ध्यान देंगे सिर्फ ये इमेजेस हैं ये बाकी बच गए ये इमेजेस नहीं है 2 बचा 3 बचा 5 बचा जितने भी ये बच रहे 7 बचे ये सारे के सारे किसी की इमेज नहीं है ध्यान दें हम चाहते हैं कि f ऑफ x रफ वर्क कर रहा हूं y बराबर means x square y के बराबर है तो x plus minus root y होगा अब आप बताएं root y हमेशा natural होता है क्या अगर ये 1 हो और minus की खाली plus लेना तो root 1 1 होगा 1 natural होता है लेकिन negative ले लें या फिर आप root 2 ले लें for example मैं y 2 कर लूं तो root 2 natural नहीं होता है onto के लिए पूछे नहीं onto के लिए सारे check करने पड़े एक इस भाषा में हम आंसर लिख सकते हैं जैसे पहले दो पार्ट में किए दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं कि हियर द सेट ऑफ इमेजेस दैट इज रेंज इज 1 4 9 सो ऑन व्हिच इज नॉट इक्वल टू n जबकि ऑन टू में क्या होता है ऑन टू में रेंज और कोड में बराबर होते हैं सो मैं ऐसे लिख सकता हूं हियर 2 बिलोंग्स टू n n मींस कोड But there does not exist any x belongs to n, that is domain. So domain में ऐसा कोई element नहीं है such that जिसका square करके 2 आए. किसी भी natural number का square 2 नहीं आता है. That is f of x equal to 2. Therefore f is not subjective अगर ऐसे नहीं करना है ये वो डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशन से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं दूसरा मैंने एक नोट लिखाया था कि ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं हियर
range is equal to 1, 4, 9, 16, so on. क्योंकि natural numbers 1, 2, 3 के square range इसकी range में होगी. ये है. And this is not equal to n. n means codomain. तो range codomain के बराबर नहीं है. Therefore, f is not surjective. इस तरह से प्रूफ किया जा सकता है. ये by definition प्रूफ है. ये एक रिजल्ट हमने ड्राइव किया कि ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं. यहां बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्टिव या ऑन टू नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट किया. सेकेंड पार्ट में फंक्शन सेम लेकिन डोमेन और रेंज, सॉरी कोडोमेन जो है वो चेंज है. सो अ फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड. अब इंटीजर से इंटीजर है. अ फंक्शन एफ फ्रॉम जेड टू जेड इज गिवन बाय दिस. तो पहले इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी पहले नेचुरल नंबर्स थे, अब इंटीजर्स हैं. दो नेचुरल नंबर इक्वल नहीं हो तो उनके स्क्वायर भी कभी इक्वल नहीं होते. क्या इंटीजर्स में ये रिजल्ट है? तो आपको ध्यान आएगा कि इंटीजर्स में, इंटीजर्स में ये जीरो, वन, माइनस वन, टू, माइनस टू, ये इंटीजर है. तो इसका और इसका स्क्वायर बराबर है जबकि दोनों बराबर नहीं है. इनफाइनाइट इंटीजर्स ऐसे हैं जो आपस में इक्वल नहीं है. ऐसे पेयर्स हैं जो आपस में इक्वल नहीं है लेकिन उनके स्क्वायर इक्वल होते हैं. वी हैव माइनस टू, टू बिलोंग्स टू जेड, सेड दैट माइनस टू इज नॉट इक्वल, बट एफ ऑफ माइनस टू मीन्स माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एंड एफ ऑफ टू इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू फोर. This implies f of minus 2 is equal to f of, thus minus 2 is not equal to implies f of minus 2 equal to. Unequal elements have same image. जबकि injective definition कहती है कि सारे elements के लिए जब ऐसी situation आए के एलिमेंट्स दो हमने चूज किए वो इक्वल नहीं है तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होनी चाहिए. लेकिन मैंने एक पेयर ऐसा ढूंढ के बताया आपको. ऐसे बहुत से हैं लेकिन डिस्प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल, एक मिसाल काफी होती है. तो मैंने एक ऐसी इलस्ट्रेशन दी आपको, एग्जांपल दी कि ये दो नंबर आपस में, दो इंटीजर आपस में इक्वल नहीं है लेकिन इनकी इमेज इक्वल आ गई. देयरफॉर एफ इज नॉट इंजेक्टिव. यहां पर जब नेचुरल नंबर था तब इंजेक्टिव आ गया लेकिन जैसे इंटीजर लिया नहीं आया. इसके लिए सब्जेक्टिव आप खुद करें. सेम प्रूफ जैसे नेचुरल के लिए था, वहां टू है, टू के लिए कोई भी इंटीजर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करके टू है. सेम वो लैंग्वेज लिख सकते हैं. और इसके दो तीन पार्ट और हैं, आप इसी तरह से ट्राई करेंगे. आपके इस टॉपिक को समझने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत है. तो नहीं तो आपने देखा डेफिनेशन तो दो ही है, वन वन और ऑन टू की डेफिनेशन दो ही टाइप्स, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आपको इनमें सॉल्व करनी है तभी जाकर हम इनवर्स वगैरह आगे फाइंड कर पाएंगे. Next is question number 3. A function f from R to R is defined by f of x is equal to. ये function आपने पहले देखी हुई है, greatest integer function. 11th में relation function chapter था आपका, second chapter. उसमें आपने functions की definition पढ़ने के बाद, कोडोमेन, डोमेन, रेंज पढ़ने के बाद कुछ फंक्शंस के ग्राफ ड्रा किए थे.
special functions, constant function, identity function, modulus function, greatest integer function, sine of functions, ये कुछ functions आपने इनके graph रखी और इनकी definitions पढ़ी. मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ इस function का क्या है, greatest integer function, इसका answer जो है हमेशा integer में आता है. means अगर integer है तो खुद वही integer, अगर integer नहीं है तो उससे छोटे जितने भी integer हैं उनमें सबसे बड़ा integer इसका answer होगा. जैसे 2.1 से छोटे integer, तो इससे छोटे integer 2, 1, 0, -1, so on, infinite. इनमें सबसे बड़ा तो answer is 0.1, so answer is 0. 0.9, answer is 0. -0.1, so answer is -1. क्योंकि -0.1 से छोटा 0 नहीं होता है, -1 होता है. -1.2, so answer is -2. उससे छोटा रहता है, नंबर लाइन में देखिए ना, 0, 1, 2. -1, -2, तो -0.1 यहां है, तो इससे छोटा ये हो, 1.2 यहां पर है, -1.2, तो इससे छोटा -2. ये इसका आंसर होता है. मींस इस फंक्शन में जब कोई एलिमेंट आता है इस ऑपरेटर से गुजरता है तो ये ऑपरेटर उसको इंटीजर बनाता है. इतना सा आपने ध्यान रखना है. अब हमें यहां पर फंक्शन नहीं पढ़नी है, पहले पढ़ी हुई है. इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए चेक करना है कि ये 1, 1, 2 है या नहीं है. तो पहले हम 1, 1 चेक करते हैं. 1, 1 के लिए देखें, वी हैव 2.1, 2.2 belongs to R, दोनों real number such that 2.1 is not equal to 2.2, but 2.1 का answer 2 और 2.2 का answer ये क्या रहा, ये f of 2.1, ये क्या है f of 2.2. तो ये दो एलिमेंट जो इक्वल नहीं है उनकी इमेजेस क्या आ रही है, इक्वल आ रही है. हमने क्या प्रूव किया, 2.1 इज नॉट इक्वल टू 2.2 बट f of 2.1 इज इक्वल टू f of 2.2, देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्टिव. और 1, 1, ये 1, 1 नहीं है. दूसरा हम चेक करते हैं ऑन, ऑन टू के लिए एक रफ आइडिया पहले अपने माइंड में बना लेना चाहिए, फिर ही आगे फेयर में उसको लिखना चाहिए. आर लेकिन यहां पर जो भी इसके आंसर आएंगे, यहां से आप कोई भी रियल नंबर लेंगे डोमेन में से, आंसर में से इंटीजर ही आएंगे. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर में आती है, इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ इंटीजर्स. तो ये इसके बराबर नहीं है, ऑन टू नहीं होगी. एक बार, दूसरी बात, यहां से कोई भी 1.2 ले ले, 1 ले ले, 2.5 ले ले, आंसर हमेशा इंटीजर ही आएंगे. तो इधर रियल नंबर्स में इंटीजर्स के अलावा भी नंबर बचेंगे, 2.5 बचेगा, 3.1 बचेगा, ये इसी की भी इमेज नहीं है. फंक्शन की डेफिनेशन पता हो तभी आइडिया दिमाग में आ जाता है कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं. वी हैव 3.5 बिलोंग्स टू आर कोड में which is not the image of any x belongs to R domain under f. f के अंदर, इस फंक्शन के अंदर 3.5 किसी की भी इमेज नहीं हो सकती है. what I mean to say that is f of x is not equal to 3.5 for all x belongs to R. कोई भी x यहां से ले लें उसकी इमेज 3.5 नहीं आ सकती है. तो ये 3.5 को डोमेन में था जो किसी की भी इमेज नहीं है. Therefore, f is not on.
दूसरी भाषा में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमने लैंप पे पड़ी हुई है, तो हम लिख सकते हैं हेयर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू जेड विच इज नॉट इक्वल टू आर, दैट इज कोड वी, देयर फोर एफ इज नॉट आर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तीन पार्ट क्वेश्चन नंबर टू के हैं, और क्वेश्चन कल का लेक्चर में इसी टॉपिक पे भी लगाऊंगा, तो और क्वेश्चंस हैं, मैं नोट्स कुछ अपलोड कर दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए इसी लेक्चर के साथ, तो आप इनको घर में पढ़ें, क्वेश्चन ट्राई करें, कल इन पर मैं एक लेक्चर अभी और दूंगा, इनकी काफी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। स्टे एट होम, स्टे एंगेज, स्टे सेफ, थैंक यू।